जिस आदमी को पोटा न्यायालय ने मृत्यु दंड दिया, उसको मौत की सजा दे दी, उसको हाई कोर्ट कहता है अरे इसके खिलाफ तो देयर इज नॉट एन आयोटा ऑफ एविडेंस, आपने इनको सजा कैसे दे दी? और गिलानी साहब वहां से छूटे और उसके बाद संसद जो सुप्रीम कोर्ट है वहां से भी छूटे, और वो जो पत्र बता रही हैं अफजल गुरु का जो आया था नंदिता जी के पास, उस सबको हम लोगों ने पढ़ा और उस पर बहुत सारे सवाल हैं। ये अच्छा होता अगर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जो अफजल गुरु की फांसी का आया था उसको भी सुनाती वो। तो उस समय से मुझे ये पता लगा कि इस देश में बहुत सारे निर्दोष लोगों को आतंकवाद के नाम पे जो घटनाएं होती हैं उसमें फंसाया जाता है। अब मेरे साथ क्या हुआ, मुझे लगता है कि वही बात मैं रख दूं, क्योंकि आप तो बाकी बातें सुनते सुनते आप जो है इधर काफ़ी दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं और वही बातें दोहराई जाए तो अच्छा नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ अपनी व्यक्तिगत बातें आपके साथ साझा करता हूँ। हिंदी भाषा ठीक है ना, अंग्रेजी? अच्छा ठीक ठीक। तो हुआ यूँ साथियों कि मैं BHU में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में काम कर रहा था। अब मैं इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ तो एक इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ा रहा था, लेकिन मैं 18-20 साल बाद लौटा था पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं पूर्णकालिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 1993 से लेके और 2003 तक मैंने काम किया। बीच में 3 महीने के लिए एक नया IIT खुला है गांधीनगर में, वहाँ पढ़ाने गया था एक कोर्स। और मेरा बेटा है, आ गया है पढ़ने दिल्ली रामदास कॉलेज में, वो भी पढ़ रहा है, यहाँ मौजूद है। तो मेरे परिवार की कुछ ऐसी मजबूरी थी, मेरी पत्नी ने कहा, वो नर्मदा बचाओ आंदोलन में 10 वर्ष रहीं और मेरी वहीं मुलाकात हुई जब मैं कानपुर से अपनी नौकरी छोड़ के और मैं देश में घूम रहा था और ये तय करना था कि क्या करूं। तो अन्ना हजारे और बाबा आमटे को मिलने के बाद जब मैं मेधा पाटकर से मिलने पहुंचा तो मेधा पाटकर तो नहीं मिली लेकिन अरुंधति धुरु मिल गई, और जेल हम लोग गए। जो मेरी पहली जेल यात्रा थी वो उनकी 55वीं जेल यात्रा थी। तो उन्होंने मुझसे कहा, देखो तुम्हारी नेतागिरी वगैरह चल नहीं रही है, अब बेटा कॉलेज जा रहा है, बेटी भी कॉलेज जाने वाली है, जाके कुछ कमा धमा के लाओ। तो 20 साल बाद मैं गया पढ़ाने, और BHU के जो डायरेक्टर साहब थे IIT के, पहले IIT कानपुर में मैं उनको जानता था उन दिनों से, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ, 3 दिन पढ़ा के तुम चले जाना और बाकी जो काम करना है तुम करना, और तुम्हें विजिटिंग फैकल्टी का एक अपॉइंटमेंट दे देते हैं आधी तनख्वाह पे। तो 65,000 रुपये पे मैं वहाँ लग गया विजिटिंग फैकल्टी 2013 में, और एक इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ाता था और एक कोर्स मैंने कहा मैं अपनी मर्जी से पढ़ाऊंगा, BTech 3rd year लेवल पे ह्यूमैनिटीज़ का जो ऑप्शन है उसमें डेवलपमेंट स्टडीज़ नाम का एक कोर्स पढ़ाऊंगा। ये कोर्स मैं पहले 2 दिन का, इसको कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी पिट्सबर्ग में और IIT गांधीनगर और IIT गुवाहाटी में और IIIT हैदराबाद में पढ़ा चुका था। मैंने कहा इसको मैं फुल सेमेस्टर कोर्स के रूप में पढ़ाना चाहूँगा। वो कोर्स बाकायदा अप्रूव हुआ और मैं उसको पढ़ाने लगा, और मेरा पढ़ाने से ज़्यादा हमारे जो IIT के छात्र हैं उनको दुनिया से जोड़ने का मकसद था। तो मैं अपने किसी कोर्स में इम्तिहान नहीं लेता हूँ, मतलब जो इंजीनियरिंग के कोर्स होते हैं उसमें भी इम्तिहान नहीं लेता हूँ। मैंने कानपुर में भी नहीं लिया, गांधीनगर में भी नहीं लिया और BHU में भी नहीं लिया। मेरा तरीका इवैल्यूएशन का ये होता है कि एक एक छात्र को बुलाता हूँ और समझता हूँ कि उसने विषय को समझा या नहीं समझा, और अगर वो उसने नहीं समझा है तो उसको मैं बोलता हूँ जाओ दोबारा पढ़ के आओ। और इस तरह से छात्रों को अनगिनत मौके रहते हैं कि जब तक वो उस विषय को अच्छी तरह से समझ न लें तब मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो अंत में होता यह है कि ज़्यादातर क्लास एक न्यूनतम समझ के स्तर पे पहुंच जाती है और ज़्यादातर लोगों को ए ग्रेड मिल जाता है और वो अपनी क्लास जो है ख़त्म हो जाती है। फेल मैं किसी को नहीं करता हूँ, इसलिए
क्योंकि एक बड़ा धर्म संकट मेरे सामने खड़ा हो गया। तीन छात्रों ने आईआईटी कानपुर में कहा कि ये आप विषय चाहे हम लोगों को जितनी बार पढ़ने को बोले, हम लोग इससे ज्यादा तैयारी नहीं कर सकते, हमारी रुचि ही नहीं है इस सब्जेक्ट। तो अब मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया कि भाई इन छात्रों की रुचि नहीं है और इनको मैं फेल कर दूं तो ये कोर्स इनको दोबारा लेना पड़ेगा जिसमें इनकी रुचि नहीं है। तो मैंने उनको सी ग्रेड देके पास कर दिया, ये सोचते हुए कि यार ये आईआईटी में आ गया तो कुछ तो दिमाग होगा इसका, ये कंट्रोल सिस्टम में इंटरेस्टेड नहीं है तो किसी और कोर्स में इंटरेस्टेड होगा। तो इस तरह से मैं अपना मूल्यांकन करता हूं। और मैंने मेरे निकाले जाने 22 दिसंबर को मीटिंग हुई जिसमें मैं निकाला गया, जो हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, और उसके तुरंत पहले मुझे ऑस्ट्रिया में साल्सबर्ग सेमिनार में अपने मूल्यांकन विधि का प्रस्तुतिकरण का मौका मिला। ये कॉन्फ्रेंस एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस प्रिंसटन में, जो जीआरई और टोफल के इम्तिहान कराती है, नेशनल साइंस फाउंडेशन अमेरिका का और एक दो और संस्थाएं थी, उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया था। और मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया के सारे कोने से जो वहाँ पे 50-60 ऐसे लोग आए थे जो अपने अपने देशों की शिक्षा नीतियाँ बनाते हैं, साउथ कोरिया से लेके और साउथ अमेरिका, और अमेरिका के लोग तो थे ही वहाँ पे, लगभग सबकी एक राय थी कि ये जो इम्तिहान लेके पास फेल करने का तरीका है हमारे स्कूल और कॉलेजों में, ये छात्र और छात्राओं का सही मूल्यांकन नहीं करता है। और अगर आपको उसका सही मूल्यांकन करना है तो आपको कुछ दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे, और उसी में मुझे मौका मिला था अपनी बात को रखने का। और वहां से लौटा तो पता लगा कि मेरी नौकरी खत्म हो गई, तो मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता ये रहा था कि डेवलपमेंट स्टडीज कोर्स में मैं कुछ पढ़ाता था, कुछ दूसरों से लेक्चर्स दिलवाता था, जिसमें एक सज्जन है, उनका नाम है प्रशांत राही, जो आईआईटी बीएचयू से बीटेक करने के बाद दो बार जेल बंद रहे हैं, एक बार उत्तराखंड में और एक बार महाराष्ट्र में, उन पे नक्सलवादी होने का आरोप है, बेल पे है। तो भाई मेरा ये सवाल है कि जब जिस व्यक्ति को आपने सजा दी है संजय दत्त और उसको आप छोड़ सकते हैं, तो जिसके ऊपर आरोप ही है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है कोर्ट में, बेल पे है, वो आके लेक्चर दे तो इसमें क्या दिक्कत है? और उन्होंने कक्षा में ये बताया कि मैं नक्सलवादी क्यों हूँ, और मेरा मकसद ये था कि आईआईटी के विद्यार्थी इस बात को समझें कि उनका एक एलमनस आखिर नक्सलवादी क्यों बना, क्या वजह थी कि उसको नक्सलवादी बनना पड़ा। और एक मैंने जेंडर इशू पे मैंने ये तय किया कि इंडियाज डॉटर दिखाएंगे, क्योंकि मेरा मानना था कि वो बैन ही गलत है। और वो जब मेरी क्लास शुरू होने वाली थी 5 बजे, तो 4 बजे हमारे चीफ प्रॉक्टर साहब और जो लोकल थाना है लंका में, वहाँ के थाना अध्यक्ष आ गए और उन्होंने कहा कि भाई ये तो फिल्म प्रतिबंधित है, इसको आप कैसे दिखा सकते हैं। तो मैंने कहा चलिए आप कहते हैं तो नहीं दिखाएंगे। तो प्रॉक्टर साहब ने कहा आप क्लास कैंसिल कर दीजिए। मैंने कहा ये बताइए भारत सरकार ने क्या चर्चा पे भी रोक लगाई हुई? बोले नहीं चर्चा पे तो रोक नहीं है। तो मैंने कहा कि फिर मैं एक दूसरी फिल्म दिखा के और इस विषय पे चर्चा करूंगा। तो चर्चा हुई, लेकिन तब तक वो हमारे एक उत्साही साथी ने उसकी लिंक शेयर कर दी थी बीएचयू के इंटरनेट पे। तो मेरे ऊपर इल्जाम ये है कि मैंने एक प्रतिबंधित फिल्म को इंटरनेट पे शेयर करके एक साइबर क्राइम किया है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप उसे क्राइम मानते हैं तो मानिए, मैं मानता हूँ वो फिल्म पे बैन ही गलत है। और ये शर्म की बात है कि जब 2015 में एक मैनेजमेंट स्टडीज़ की लड़की को एक प्रोफेसर साहब ने अपने चैम्बर में बुला के छुट्टी के दिन उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, और वो लड़की जब यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ को शिकायत करती है तो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी साल भर में अपनी जांच वांच पूरी करके प्रोफेसर साहब को क्लीन चिट दे देती है। प्रोफेसर साहब के खिलाफ मुकदमा है, अभी पुलिस में एफआईआर दर्ज है, अभी वो मुकदमा चलना बाकी है। हमारी देश की न्यायालय अभी फैसला उसने दिया नहीं, और यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर साहब को बरी कर दिया और उनकी बहाली करने की तैयारी है। और मेरा ये कहना है कि आप किसी महिला के साथ कैंपस पे होने वाली छेड़छाड़ को तो आप इतनी तत्परता से नहीं रोकते हैं,
लेकिन एक प्रतिबंधित फिल्म के प्रदर्शन को रोकने के लिए आप तुरंत आगे भागे भागे, तो ये जो नजरिया है ये गलत है, हमारा मानना है। और इसलिए मैंने जो किया उसको मैं अभी भी सही मानता हूँ। तो एक तो मेरे ऊपर आरोप लगा कि मैं नक्सलवादी हूँ, क्योंकि मैं प्रशांत राही का लेक्चर मैंने अपनी क्लास में कराया, और मैं देशद्रोही हूँ क्योंकि मैंने कश्मीर की बात की अपनी कक्षा में कि कश्मीर के लोगों को अधिकार है कि कश्मीर का भविष्य क्या होगा वो तय करेंगे। और बीफ के बारे में मैंने बात तो नहीं की थी, क्योंकि मेरे ऊपर आरोप ये लग रहा है। मैं आपको बताऊं कि मैं तो भाई वीगन हूँ, वीगन मतलब मैं तो दूध भी नहीं पीता हूँ अपनी चाय में। तो मैंने तो एक लेख लिखा था कि गाय की हत्या करना तो छोड़िए, गाय का दूध भी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि गाय का दूध तो गाय के बच्चे के लिए है। आप उसका पैर बांध के उसका दूध निकाल लेते हैं, यही गलत है। और मैं जब अपनी पत्नी से पहली बार मिलने गया आदिवासी इलाके में, जहां सरदार सरोवर बांध बना है उसके बाद जो आदिवासी इलाका है, तो पहली बात उन्होंने कही कि देखो यहाँ चाय तो मिलेगी, चाय वो बिना दूध की चाय मिलेगी। तो मैंने पूछा क्यों, बोली आदिवासियों में गाय का दूध निकालने की परंपरा नहीं है, ये अपने देश की परंपरा है। तो और ये आप देखें, आदिवासी गांव में जाए, वहां कोई जाति प्रथा नहीं है, वहां कोई सामंती व्यवस्था नहीं है, वहां कोई मुद्रा का प्रचलन नहीं है, सब एक दूसरे का काम मिलजुल के कराते हैं। और दहेज का सिस्टम उल्टा है, ये माना जाता है कि लड़का लड़की को लेके जा रहा है इसलिए उसका मुआवजा देगा लड़की के बाप को, और वो शादी अपने मर्जी से तय करते हैं। होली के दिन एक नाच होता है जिसमें लड़के लड़की आपस में तय कर लेते हैं शादी करना। तो ऐसे समाज जिसका नजरिया मानवीय है उसमें गाय का दूध नहीं निकाला जाता। और मैंने यही बात कही थी, तो मेरे ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि आप ये सब बातें करते हैं और लड़कों को बहकाते हैं और मेरी टीचिंग्स को एंटी नेशनल कह के और कम्युनल हारमोनी को डिस्टर्ब करने वाली हैं, ये कह के 6 जनवरी को मुझे एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का पत्र पकड़ा दिया गया। उसका जो मैंने जवाब लिखा, मैंने कहा देखिए देशद्रोही का जो आरोप लगाया है आपने, तो वो तो मैं हो ही नहीं सकता भाई, जब मैं देश को ही नहीं मानता हूँ तो मैं देशद्रोही कैसे हो सकता, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस तरह से जाति और धर्म इंसान को बांटने वाली श्रेणियां हैं, उसी तरीके से देश भी इंसान को बांटने वाली श्रेणी है। और राष्ट्रवादी का विलोम देशद्रोही नहीं होता है, राष्ट्रवादी का विलोम होता है अंतरराष्ट्रवादी। और मैं तो ब्रह्मांडवादी हूं, क्योंकि मैं प्रकृति की भी थोड़ी बहुत चिंता करता हूं। तो मैंने कहा वो तो मैं हो नहीं सकता, है ना, और बाकी जो आरोप है वो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मेरी लड़ाई चल रही है न्यायालय में और मैंने इसके ऊपर कुछ चीजें लिखी हैं, आप में से जिसकी रुचि होगी अपनी ईमेल दे दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। और मैं चाहूंगा कि बाकी समय में अगर आप, हाँ मैं गांधीवादी हूँ, ये मैं मुझे कहना पड़ता है, पहले कहता नहीं था, और इसलिए ये चरखा भी लेके चलने लगा हूँ। और ये आपको मैं बताऊं कि क्योंकि ये अब म्यूजियम में रखने वाली चीज होगी, ये चरखा है, और ये मैं सोचता हूँ कि रुई से तागा निकालने की जो प्रक्रिया है, ये रुई है, और रुई से आप एक स्पिंडल चला के इसमें से तागा खींच सकते हैं। ये मुझे लगता है कि जिस इंसान के दिमाग में ये कल्पना आई होगी वो तो उतना ही बड़ा आविष्कारक रहा होगा जिसने कि पहिए का आविष्कार किया होगा या आग का आविष्कार किया होगा। और मैं सोचता हूँ कि गांधी जी इसको क्यों चलाते होंगे, तो एक तो बात ये समझ में आती है कि गांधी जी सोचते थे कि मैं और तो कुछ करता नहीं हूँ, इंसान की जो 3 मौलिक जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, खेती तो मैं कर नहीं सकता, मकान में बना नहीं सकता, चलो कम से कम कपड़ा ही बनाओ। तो ये कपड़ा जो है बनाने के लिए ये तागा बनाया जाता है, इसके बाद ये जुलाहे के पास जाता है। एक और भ्रम है कि गांधी जी मशीन के खिलाफ थे,
लेकिन मैं कहता हूं, देखिए मैं तो एक इंजीनियर भी हूं इसलिए आपको बता सकता हूं, ये एक मशीन है, इसमें दो पुली लगी हुई है, एक बड़ी पुली है जिसको आप घुमाते हैं तो उससे एक छोटी पुली चलती है, और ये तो आप सामान्य समझ से समझ जाएंगे, इसके लिए कोई विज्ञान पढ़ना जरूरी नहीं है, कि एक एक चक्कर में जितना बड़ा पहिया घूमेगा उससे ज्यादा तेजी से छोटा पहिया घूमेगा, और उससे भी छोटा है स्पिंडल, स्पिंडल और भी तेजी से घूमेगा, और स्पिंडल जब घूमेगा तो वो इस रुई से तागा खींच लेगा अपने आप, ये तागा निकालना नहीं पड़ता है, ये तागा अपने आप खींचता है, और ये गजब की डिवाइस है, और इसको सीखने में मुझे 2 साल लगे, ये इतना आसान नहीं है जितना आप इसको देख रहे होंगे। तो ये जो है मैंने इसलिए सीखा क्योंकि बहुत सारी मीटिंगें हैं जिसमें 4-4, 5-5 घंटे बैठना पड़ता, तो मैंने सोचा कि कम से कम उस समय का सदुपयोग होगा कुछ। अब आपके सवाल लेने के लिए मैं तैयार। कोई अगर कुछ पूछना चाहे तो आप लोग जल्द से जल्द पूछिए, क्योंकि नेक्स्ट स्पीकर भी हमारे साथ है। किसी का भी ब्रीफ सवाल हो, कुछ क्वेश्चन हो, या फिर कुछ जानना चाहते हो इस तरह के, नहीं है तो क्या किसी का आप, आपके पास एक इनका है। हेलो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि मैं गाय का मतलब कि दूध में चाय में दूध में नहीं पीते आप, और गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए है, तो जो लोग गाय को माँ मानते हैं उनके लिए आप देखिए ये तो व्यक्तिगत आस्था वाला सवाल है। अब कोई गाय को, अब इस देश में तो लोग बहुत सारी चीजें मानते हैं, जो मानने वाले हैं वो माने, लेकिन ये जो संघी किस्म के लोग हैं ये इनके बारे में एक चीज जान लीजिए कि ये जो कहते हैं उसके प्रति भी ईमानदार नहीं। मेरा कहना है कि आप किसी भी शहर में देख लीजिए, ये जो गाय घूमती रहती है ना सड़क पे, ये जब मरेंगी तो इनका आप पेट काटेंगे तो उसमें से इतना प्लास्टिक निकलेगा। अगर ये लोग सही में गाय को मां मानते तो क्या गाय को ऐसे प्लास्टिक खाने के लिए खुला छोड़ते? अरे भाई तुम्हारी माँ है, हमारी तो नहीं है, तुम्हारी है तो उसको ले आके अपने घर में रखो ना ठीक से, उसको प्लास्टिक खाने के लिए सड़क पे क्यों छोड़े हुए? बता दे, ये मेरी इनसे जो सबसे बड़ी शिकायत है, अच्छा हुआ आपने ये विषय छेड़ दिया, मेरी इनसे जो सबसे बड़ी शिकायत है वो ये है कि ये गांधी के हत्यारे हैं। मैं दुनिया में कई जगह गया हूं, जाने का मौका मिल गया, और एक बात आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, भारत की पहचान होती है महात्मा गांधी से, वो और किसी से नहीं होती है, विवेकानंद से तो नहीं होती है। मैं तो शिकागो में पूछा कुछ लोगों की, भाई विवेकानंद को जानते हो? यहां पे आए थे कोई वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए, तो बोले कौन विवेकानंद? लेकिन जो बाहर मंदिर बने हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, वो तो वहां के हिंदू लोगों ने बनाए, लेकिन जो महात्मा गांधी की मूर्ति लगी है वो वहां के स्थानीय लोगों ने लगाई। महात्मा गांधी की यदि मूर्ति नहीं लगी होगी तो लोगों के दिल में तो उनका सम्मान है। और मैं आपको बताऊं, 2010-11 में मुझे गजा जाने का मौका मिला, आपके जेएनयू के भी कुछ साथी थे, पता नहीं उसमें से कुछ लोग यहाँ है कि नहीं, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ईरान, हम लोग सड़क के रास्ते गए थे बस से, तो ईरान हो या सीरिया हो, सब जगह लोग महात्मा गांधी को जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जो जिस पार्टी की सरकार है गजा में, हमास के बड़े नेता जो गजा में नहीं रहते हैं, वो सीरिया में रहते हैं या कतर में रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, उनको जान का खतरा है इसराइलियों से, खालिद मिशाल से हम लोगों की बातचीत हो रही थी, हमारे एक साथी ने पूछा कि भाई आप अपनी बात में वो गांधी और नेहरू की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि नेहरू जब सीरिया गए थे तो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के शिविर में गए थे,
और गांधी की भी बहुत तारीफ कर रहे थे, तो हमारे एक साथी ने कहा कि ये बताइए कि गांधी तो सत्य और अहिंसा में मानते थे और आप तो कभी कभी इसराइल के खिलाफ अपना मिसाइल भी ताक देते हैं, हाँ तो आप कैसे गांधी की तारीफ कर सकते हैं। तो वो बोले मैं गांधी की तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि गांधी ने कमजोर तबकों की लड़ाई लड़ी और इसलिए मेरे दिल में उनके लिए इज्जत है। और आपने देखा होगा कि अरब रेवोल्यूशन में भी एक देश में जलूस के आगे महात्मा गांधी की तस्वीर थी, तो ऐसे आदमी को मार डालना, उसकी हत्या कर देना और फिर अपने आप को देशभक्त कहना, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। और बाकी इनका काम छोड़ भी दिया जाए, बाबरी मस्जिद को गिराना जिसके बाद आतंकवाद नाम की समस्या इस देश में आई, उसके पहले ये बड़ी मजेदार इसका इतिहास है, आप देखिए आतंकवाद कब आया, आतंकवाद आया जब संसद पे हमला हुआ, तब इन्होंने पहली बार आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि अमेरिका ने किया था और वाजपेयी जी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भी शामिल हैं। अभी जॉर्ज बुश ने उनको न्योता नहीं दिया था लेकिन वो शामिल हो गए लड़ाई। तो आतंकवाद का शब्द आया संसद पे हमले से, उसके पहले जो बम फटते थे उसको कहा जाता था श्रृंखलाबद्ध बम धमाके, श्रृंखलाबद्ध बम धमाके, सीरियल बम ब्लास्ट, उसको आतंकवादी घटना नहीं कहते थे। और आप बताइए पहला श्रृंखलाबद्ध बम धमाका कब हुआ, कब हुआ, 93 में हुआ, अर्ली 93, जिसमें याकूब मेमन को फांसी हुई। और 93 का सीरियल बम धमाका क्यों हुआ, क्योंकि बाबरी मस्जिद गिरी। तो एक बार जब उत्तर प्रदेश की 3 कचहरियों में बम ब्लास्ट हुए तो इंडियन एक्सप्रेस ने मुझसे कहा कि एक लेख लिख दीजिए इसके ऊपर। तो मैं उस समय मैंने सोचने लगा कि आतंकवाद समस्या कहां से आई है आखिर हिंदुस्तान में, तो करते करते मैं पहुंच गया कि भाई ये तो बाबरी मस्जिद गिरने के बाद से आई है, उसके पहले एकाध बम फटते थे, समस्तीपुर में ललित नारायण मिश्रा मर गए, वो तो राजनीतिक घटना थी बम ब्लास्ट से, लेकिन श्रृंखलाबद्ध बम धमाके 93 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद पहली बार इस देश में एक फेनोमेना के रूप में आए और इसलिए इस देश की पहली सबसे बड़ी आतंकवादी घटना है बाबरी मस्जिद का गिराया जाना। वो जननी है जिसको कहते हैं ना मदर ऑफ ऑल टेररिस्ट इंसिडेंट्स इन इंडिया इज द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। तो उसके बाद साथियों ये हुआ कि मेरा वो लेख तो छप गया इंडियन एक्सप्रेस में, वो वाला पैरा हटा के जिसमें मैंने लिखा था कि बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान की पहली आतंकवादी घटना है, और उसके बाद मेरे लेख इंडियन एक्सप्रेस में छपने बंद हो गए। मेरे लेख हिंदी में दैनिक जागरण में छप जाते थे 2-3 महीने में एक बार, लेकिन अच्छे दिन आने के बाद वो भी बंद हो गए। तो अगर इन्होंने बाकी जो कुछ किया है वो माफ भी कर दिया जाए तो मैं तो सिर्फ इनको गांधी की हत्या के लिए कभी भी इनको माफ नहीं कर सकता। और एक सर, जैसे मैं मेडिकल फील्ड से आता हूँ तो हमने देखा है कि जो साइंस स्टूडेंट जितने साइंस फैकल्टी के हैं इनको सिर्फ एक मशीन की तरह पढ़ाया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है, मतलब हमको इतना ही पता है कि हाँ हम मशीन हैं, पेशेंट को ट्रीट करना है, निकालना है पेशेंट है, हम सोशल इशूज इतना दूर रखा जाता है, हमको तो पता ही नहीं कि एक्चुअली में ये सब होता भी है करके। अब जाके मुझे पता चल रहा है कि एक्चुअली में सोसाइटी में ये सब होता है, इसका रीज़न क्या है, एक्चुअली में ये नेचुरली हो रहा है या इसको किया जा रहा है, क्या है मतलब इसका। बहुत सही सवाल पूछा है भाई ने, आपका नाम क्या है, गिरीश जी ने बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि ये हम सब के साथ ये अनुभव है, खास करके जो भारतीय मध्यम वर्गीय खास करके सवर्ण परिवारों से आते हैं तो उनको बताया जाता है कि भारत बहुत अच्छा देश है, यहाँ एक जमाने में जाति प्रथा हुआ करती थी, अब खत्म हो गई है। हाँ, तो मैं बचपन से ये सोचता था कि यार ये हमारे घर में जो लोग आते हैं काम वाम करने, इनको सोफे पे क्यों नहीं बैठने देते, या इनको खाना देते हैं तो वो अलग क्यों देते हैं। हाँ, या मैं किसी दलित साथी को घर पे लाता था, माँ से कहता था चाय बना दो, 2 लोग हैं, 2 चाय आती थी कप में, फिर वो देखती थी किसके लिए आई है तो तुरंत कप वापस करके उसको गिलास में डाल के देती। एक बार मैं अपना घर छोड़ चुका हूँ इस मुद्दे पे और फिर मैंने कहा मैं ऐसे घर में नहीं रहूंगा जहाँ आप किसी को अपमानित करेंगे। तो ये भारतीय समाज की हकीकत है और मैं भी आप ही के जैसा था,
मुझे लगता था कि मैं होनहार छात्र हूँ, गलती से इंजीनियरिंग में भी हो गया। अब मेरे पिताजी इंजीनियर थे तो कास्ट सिस्टम के हिसाब से मुझे भी उधर ही जाना था, तो इंजीनियरिंग पढ़ लिया। लेकिन चार साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद इंजीनियरिंग में कोई रुचि नहीं थी। बीएचयू में छात्र संघ का चुनाव लड़ा और प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मैं प्रतिनिधि बन गया छात्र संघ में। वहां जाके देखा तो वहां सिर्फ जाति की राजनीति और पैसे की राजनीति। वोट लेने में ही पता लग गया, बोले कि किसी भी सिनेमा हॉल में कितने भी लड़कों को फिल्म दिखा दो तुमको वोट दिलवा देंगे। हमने कहा यार ये कौन सी राजनीति है, मैं तो आया किसी और के लिए था। तो फिर मैं यहाँ ये देश छोड़ के भाग गया, क्योंकि मैंने कहा ये देश तो रहने लायक नहीं। फिर जिस देश में गया वहां का ये तो और भी रहने लायक नहीं। तो अमेरिका जाने के एक साल के अंदर फैसला लिया कि ये देश छोड़ के जाना है वापस। इससे तो वही अच्छा था, जहां कम से कम अच्छी चाय तो मिलती थी और चाय पे अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर सकते थे। तो मैं सिरेक्यूज टोल प्लाजा है और वहां पे कई सारे लोग अपना अपना इसी तरह से माइक लगा के वहां पे बर्कले में एक 1960s में फ्रीडम ऑफ स्पीच मूवमेंट हुआ था। और वो फिल्म आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये बीएचयू की फिल्म है, क्योंकि वहां रोनाल्ड रीगन गवर्नर थे और स्टूडेंट ने कहा कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। तो उसने पूरा वहां पे और छात्र ऐसे ही सब वहां एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में घुसे हुए थे, तो उसने वहां हेलीकॉप्टर भेजे और आंसू गैस के वो गोले छोड़े और लाठी चार्ज हुआ। और जब वहां पे कॉन्वोकेशन हो रहा था तो ये इनके जैसा जो छात्र नेता था वहां का प्रखर बुद्धिमान और तेजस्वी, वो चांसलर के हाथ से उसने माइक छीन लिया और भाषण देने लगा। ये फिल्म आप कभी हो तो देखिएगा। उसके बाद बर्कले कैंपस में ये अधिकार मिल गया कि कोई भी ग्रुप जो भी चाहे अपना पैम्फलेट बांट सकता है और अपना इस तरह का माइक लगा के भाषण दे सकता है। तो इस प्राउल प्लाजा में लंच में आप जाएंगे, लंच के समय सिर्फ एक घंटे के लिए 1 बजे से 2 बजे, तो वहां आपको हरे रामा हरे कृष्णा से लेके हिस्पैनिक राइट्स, ब्लैक राइट्स, गे लेस्बियन राइट्स, एनिमल राइट्स, वहीं पे मैं गलती से वीगन बन गया, क्योंकि वहां वो थैंक्स गिविंग के दिन कुछ लोग टर्की बन के वो पिंजड़े में बंद करके बैठे थे। तो मैं आपकी बात पे ये बताना चाह रहा था कि मैं भी आप ही के जैसा छात्र था, सोचता था कि पढ़ना लिखना बहुत पवित्र काम है और मैं अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए बहुत गौरव का काम कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ इंजीनियरिंग में। गलती से 91 में अमेरिका में जॉर्ज बुश के जो पिताजी थे, वो जिसको आप जानते हैं, उसका बाप भी राष्ट्रपति था, तो उसने इराक पे हमला कर दिया और मैंने देखा कि कैंपस पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो प्रोटेस्ट में छात्र भी है और प्रोफेसर भी है। तो मैंने सोचा यार ये कौन सा प्रोटेस्ट है, बीएचयू में तो सिर्फ छात्र लोग प्रोटेस्ट करते थे और तोड़फोड़ करते थे और जलाते थे और क्या क्या करते थे, यहाँ तो प्रोफेसर भी प्रोटेस्ट में भाग लेते। तो ये पता लगा कि ये वो वाले प्रोफेसर है जो डिफेंस डिपार्टमेंट से फंडिंग नहीं लेते और अमेरिका के लिए हथियार बनाने का काम नहीं करते। तो मेरे दिमाग की खिड़की पहली बार खुली कि ओ भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ, तुम क्या अमेरिका के लिए हथियार बनाने आए हो। और आए दिन वहां पे कभी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, कभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, पता लगता था कि केजीबी वालों ने बम धमाका कराया, पूरा बिल्डिंग खाली कराया जाता। तो मेरा पॉलिटिकल ट्रेनिंग शुरू हुआ बर्कले कैंपस से और मुझे पहली बार ये पता चला कि जो पढ़ाई लिखाई मैं पवित्र मान के कर रहा हूँ असल में वो अमरीका के लिए हथियार बनाने की पढ़ाई है। और उस दिन से मैंने कान पकड़ा, मैंने कहा कि ये जो रिसर्च का एरिया है कंट्रोल सिस्टम्स, जिसका एप्लीकेशन मिसाइल्स में है, इसमें तो मैं आज के बाद कभी रिसर्च करूंगा नहीं। और मेरा एक प्रोफेसर था, वो यहूदी था, वो World War II में ऑस्ट्रिया छोड़ के भाग के आया था अमेरिका। तो मैंने उसको कहा कि लाइटमैन साहब ये लो गांधी की पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ और मेरे को छोड़ो, मैं जा रहा हूँ हिंदुस्तान और मेरे को ये इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है, मेरा PhD दे दो मेरे को। हाँ, मेरे अब इस इंजीनियरिंग को लेकर करियर नहीं बनाना है, ये तुम्हारा हथियार बनाने वाला पढ़ाई लिखाई तुम अपने पास रखो। और उसने बोला कि अच्छा ठीक है, चलो तुम जो किया है एक साल में पूरा करके तुम जाओ। तो मैं 1992 में ये लेके आ गया, IIT कानपुर में पहुंचा। तो मैंने 4-5 फैसले किए। एक तो मैंने पैंट कमीज उठा के खूंटी पे टांगा और कुर्ता पैजामा पहना,
और उस दिन से यही पहन रहा हूँ। पहले इसका शॉर्टर वर्जन था, ये जिसको आप कहते हैं शॉर्ट्स और टी शर्ट खादी का, लेकिन फिर मेरी बीवी ने कहा ये कपड़ा पहनोगे तो शादी नहीं करूंगा, तो फिर मुझे ये फुल लेंथ वाला पहनना पड़ा। और मैंने कहा कंट्रोल सिस्टम में रिसर्च नहीं करूंगा क्योंकि ये हथियार बनाने का काम, और मुझे जो पहला एमटेक स्टूडेंट उन्होंने दिया, मैंने कहा चलो बायोगैस पे काम करो, बायोगैस का इस्तेमाल इंसान के खिलाफ तो नहीं हो सकता कम से कम। और मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफर जो सब्जेक्ट चाहिए उसमें रिसर्च करने के लिए। तो यहाँ IIT दिल्ली में एक पढ़ाती है संगीता कोहली, उस समय वहाँ पे थी कानपुर में, मैंने कहा संगीता जरा मेरी मदद कर दो ये रिसर्च को गाइड करने में। तो संगीता की मदद से मैंने वो एमटेक पहला अपना पूरा कराया बायोगैस में। मैंने कहा इम्तिहान नहीं लूंगा क्योंकि मैं मानता हूँ पढ़ाई और इम्तिहान का कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर मैं प्रोफेसर हूँ तो मेरा जिम्मेदारी तभी पूरी होती है जब मेरे क्लास के हर एक बच्चे को मैं अपना विषय समझा दूं, और उसके पहले उसका इम्तिहान लेके, मैंने कहा ये इम्तिहान लेके पास फेल करने वाला काम तो क्लर्क का है, किसी क्लर्क से करा लो। मैं तो जब तक मेरे कक्षा में हर एक बच्चा मेरा विषय समझ नहीं जाएगा तब तक मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और मैं छात्रों के रूम पे जाके एग्जाम लेता था ताकि वो नॉन कॉम्पिटिटिव सेटअप में एग्जाम दे सके। तो रूम पे जाता था और उसको एक बार समझ में नहीं आता था उसको दूसरा मौका देता था, वो बोलता था कि छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, ये समझना तो पड़ेगा। तो अपने कोर्स में सबको पास करके और ज्यादातर लोगों को ए और बी ग्रेड देके मैंने पहली बार पास किया, और फिर हमेशा वही तरीका अपनाया, और उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और मेरे इस विषय इस तरीके पे 2 घंटे की बहस हुई कि ये कौन सा इवैल्यूएशन का तरीका है। तो मैंने कहा भाई IIT कानपुर तो सुना था कि एकेडमिक फ्रीडम वाली जगह है, और आपको अगर पसंद नहीं है तो भाई मैं तरीका बदल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यही तरीका होना चाहिए। खैर 1.5 साल में मैंने छोड़ ही दिया, और उसके बाद तो मैं जहाँ भी गया इसी शर्त पे गया कि इसी तरह से इवैल्यूएशन करूँगा। तो ये चीज़ें थी, और भी 2-4 चीज़ें थी वहाँ के मजदूर आंदोलन में ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ जो चल रहा था, मजदूरों की सहकारी समिति बना के उसमें मैं शामिल हो गया। पुताई का ठेका था 8 लाख रुपए का, IIT कॉन्ट्रैक्टर को देना चाहती थी, हम लोग चाहते थे मजदूरों की सहकारी समिति को बने मिले। और मैंने अपने हेड को बोला देखो मैं सारी कक्षा पढ़ाऊंगा लेकिन मैं अनशन पे बैठूंगा मजदूरों के साथ में। उसने बोला हाँ तुम चिंता मत करो, तुम अपना बस क्लास ले लेना और लैब ले लेना और कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वहाँ पे फिर मुझे बताया गया कि भाई ये आचार संहिता के खिलाफ है, और आपको यही सब करना है तो आप कैंपस छोड़ दीजिए, और यहाँ रहना है तो आपको सिर्फ पढ़ाना और रिसर्च करना है। मैंने कहा भाई मेरी शादी नहीं हुई है, अभी 93 की बात है, बाकी प्रोफेसर अपनी बीवियों को टहलाने ले जाते हैं, बैडमिंटन खेलने जाते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं, मैं खाली टाइम में ये करता हूँ मजदूरों के साथ जुलूस निकालता हूँ। तो उन्होंने पालन की, और फिर शमशुल इस्लाम के साथ हमने वहाँ 92 में मस्जिद गिरी, 92 जुलाई में मैंने ज्वाइन किया था, नुक्कड़ नाटक हम करने लगे शहर में और सांप्रदायिकता के खिलाफ। और एक दिन एक लाल बत्ती गाड़ी मेरे घर के आगे आके रुकी, मुझे लगा कि अब क्या हो गया, हाँ कहाँ ले जाएंगे पकड़ के मुझे। तो उसमें से एक आदमी उतरा, उसने बोला सिटी मैजिस्ट्रेट साहब ने आपको बुलाया है, कानपुर के सबसे 3 संवेदनशील इलाकों में आपको नाटक करना है, और हर एक नाटक का 700 रुपया भी मिलेगा। तो हमने 92 के दंगे के बाद कानपुर में 3 संवेदनशील इलाकों में IIT के छात्रों को लेके सांप्रदायिकता के खिलाफ नाटक किया, और एक दिन मेस बंद करवा के और सारे छात्रों को बोला एक दिन का अनशन, और सारा खाना जाएगा वहां राहत के लिए दंगा पीड़ित इलाके में। इस सबसे में IIT बहुत परेशान हो गई, और मुझे 1.5 साल में उन्होंने बोला कि या तो सिर्फ पढ़ाने रिसर्च करने का काम करना है और ये सब काम करना है तो बाहर जाओ। तो मैंने कहा कि भाई बाहर तो मुझे जाना ही है, तो मैं पहले सोचा था 5 साल में जाऊंगा, जल्दी चला जाता। तो ये मैं सिर्फ ये बता रहा था कि ये सब करते करते ही मैंने भी चीज़ों को समझा है, और इसलिए जिस तरह का कोर्स मैं पढ़ा रहा था वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइंस के विद्यार्थियों को खास करके, आपकी बात सही है, इन सामाजिक विषयों में बिल्कुल जानकारी नहीं होती है और उनकी उल जलूल मान्यताएं रहती हैं। तो उन मान्यताओं को दूर करने के लिए इस तरह का एक कोर्स किसी भी साइंस या इंजीनियरिंग के करिकुलम में होना बहुत ज़रूरी है। सर, जो आपने बात की जाति और धर्म की जो दुनिया को बांटती है, देश को बांटती है,
लेकिन जो आपने बात की कि आइडिया ऑफ अ नेशन, आइडिया ऑफ अ कंट्री विच इन्वेसाइजेस पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर एवरीवन, कुड दैट नॉट बी अ यूनिफाइंग फोर्स टू रैली अबाउट इंस्टेड ऑफ बीइंग अ डिवाइसिव फोर्स एज अपोज टू आइडिया ऑफ अ रिलीजन और अ कास्ट विच हैज ऑलरेडी डिवाइडेड अस इन सो मेनी लेवल्स. देखिए मैं भी, मेरा भी ज्यादातर काम गरीबों के लिए, गरीबों के साथ ही करता हूँ और इसीलिए मेरे ऊपर नक्सलवादी होने का आरोप भी लगता है क्योंकि इस देश में जो गरीबों के साथ काम करे वो नक्सलवादी, कम्युनिस्ट या नक्सलवादी. तो मैंने ये महसूस किया है कि मुझे राष्ट्र नाम की अवधारणा की कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे मुझे ईश्वर नाम की अवधारणा की जरूरत नहीं पड़ती है अपनी जिंदगी को जीने के लिए और मैं पूरी तरह से नास्तिक हूँ, उसी तरह से मुझे राष्ट्र नाम की अवधारणा की जरूरत नहीं पड़ती अपना काम करने के लिए. जब मैं, मेरे जो कोर्स है, मैं आपको बताऊं किस तरह के काम हुए डेवलपमेंट स्टडीज में. एक महिला सड़क पर रहती थी 3 बच्चों के साथ, 2 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों ने उसको घर के अंदर किया, उसके 2 बच्चों को बाल सुधार गृह में भेजा, एक लड़की का एडमिशन कराया स्कूल में. बीएचयू के पास 2 गाँव हैं, छित्तूपुर और सुसुवाही, जहाँ के 2 मुसहर बस्तियाँ थी. उनकी हालत ये थी कि चारों तरफ से पक्का घर बना के उन मुसहर परिवारों को अंदर बंद करने की तैयारी थी. एक में तो इतना पतला रास्ता है कि आप अर्थी को ऐसे सीधे नहीं ले जा सके, टेढ़ा करके ले जाना पड़ेगा. और दूसरे में तो ये हालत थी कि अगर आखिरी घर बन जाता, अंदर लोगों को इंदिरा आवास के घर मिले हुए और चारों तरफ से पक्के घर बना के उनको बंद करने की तैयारी थी. बनारस के प्रशासन से हम लोगों ने बात की और फिर SDM और BDO ने खड़े होके वो जो अवैध निर्माण था उसको गिरवाया और उस रास्ते को खुलवाया. तो ये सारे काम जो हुए, या करीब 50-55 बच्चों को जो स्कूल छोड़ चुके थे उनको स्कूल में दाखिला करवाया गया, नरेगा में काम करने वाली महिलाओं की जो शिकायतें थी उनको कंप्यूटर पर टाइप करके जिला प्रशासन के पास पहुंचाया गया, उनके काम हल कराने की कोशिश की. और हाँ, आपको एक बात बताऊं जो बहुत ज़रूरी है, एक BHU में वाइस चांसलर हुआ करते थे आचार्य नरेंद्र देव. आचार्य नरेंद्र देव बहुत बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर थे और जिस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, जस्टिस राजेंद्र सच्चर के कहने पर सोशलिस्ट पार्टी, उसके पहले अध्यक्ष थे 1934 में. तो आचार्य नरेंद्र देव के नाम पर जो BHU के वाइस चांसलर रह चुके हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी और काशी विद्यापीठ के भी, उनके नाम पे हमने एक फोरम शुरू किया जहाँ इन विषयों पे चर्चा होती थी. उसमें आनंद बटवर्धन की फिल्म जय भीम कॉमरेड दिखाई गई, पी साईनाथ की किसानों पे आत्महत्या की फिल्म दिखाई गई, सुभाष गताड़े का लेक्चर हुआ, 2 दलित छात्र जो प्रतापगढ़ से IIT में चुने गए थे और उनके गाँव की हालत ये थी कि लोग कह रहे थे IIT में क्यों जा रहे हो, ITI में क्यों नहीं जाते हो, क्योंकि उन्होंने IIT का नाम ही नहीं सुना था. उनको बुला के सम्मानित किया गया उस फोरम पे. वो फोरम के नाम पे हमने BHU से काशी विद्यापीठ तक आचार्य नरेंद्र देव के नाम पे एक जुलूस निकाला, ये जो मोदी साहब भू अधिग्रहण कानून में बदलाव की कोशिश कर रहे थे उसके खिलाफ. और बनारस में कोका कोला का एक कारखाना है जिसकी वजह से जल स्तर बहुत नीचे चला गया है. 2003 और 2004 में मैं 2 बार जेल गया हूँ उस आंदोलन में उसके खिलाफ. उसके खिलाफ IIT के 100 छात्रों ने BHU से लेके और कारखाने तक 15-20 किलोमीटर दूर साइकिल रैली निकाली. इस तरह के बहुत सारे काम हो रहे थे लेकिन इसमें हमें कहीं भी न तो राष्ट्र की अवधारणा का इस्तेमाल करना पड़ा और न ईश्वर की. बल्कि मजेदार बात यह है कि राहुल खुराना और नीरज ढेलरिया, जो भूमिहीन, जो बेघर महिला को जिन्होंने घर दिलाया, तो बाद में तो फंडिंग आ गई, मतलब उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर से 50,000 का चेक आ गया, लेकिन शुरू में जो पैसा था उन्होंने अपनी जेब से लगाया. और मैंने पूछा कि यार ये बताओ तुम ये पैसा, ये इसके घर का किराया कहाँ से दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि सर आप चिंता मत कीजिए, पहले हम जो विश्वनाथ मंदिर जाते थे, BHU के बीचों बीच एक विश्वनाथ मंदिर है, उन्होंने कहा कि पहले जो हम मंदिर में चढ़ाते थे वो पैसा बचा के अब हम किराया दे रहे हैं उस बेघर महिला को. तो मुझे तो लगता है कि राष्ट्र और ईश्वर की अवधारणाएं एक समता मूलक समाज के निर्माण में बाधा बनती है, वो उसमें सहायक नहीं है. ये मेरी मान्यता, क्योंकि आप राष्ट्रवादियों को देख रहे हैं. मैं सोच रहा हूं, मैं एक दिन सोचने लगा कि मनमोहन सिंह, जिसको इन्होंने इतना जलील किया कि ये बोलता ही नहीं है, उस चुप रहने वाले आदमी ने क्या क्या काम किए. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट,
आदिवासियों के लिए, जो मेरी समझ से सबसे बड़ा काम था, उसने कहा कि आदिवासियों के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ उसको हम ठीक कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसके बाद आपका ये राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें 25% अलाभित समूह यानी कि एससी एसटी ओबीसी विकलांग माता पिता, एचआईवी एड्स वाले माता पिता, सबके बच्चे फ्री में पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूलों में, और 1,00,000 से कम आय वाले जो जिसको कहते हैं वीकर कैटेगरी, वो बच्चे पढ़ेंगे। फिर आपका एक और इम्पोर्टेंट कानून बनाया कि मैला ढोने की प्रथा को पे प्रतिबंध लगाया और कहा कि इसमें किसी को अगर रोजगार देंगे तो वो गैर कानूनी है। ये सारे काम करके जो आदमी चला गया, और अगर इनका काम देखा जाए तो ये दिखाने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है दिखाने के। और यही वजह है कि ये अब राष्ट्रवाद के मुद्दे पे आ गए हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, ये सिर्फ लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़े देशद्रोही ये लोग, क्योंकि ये इनका आप क्या है, देखिए एक आदमी गिना दीजिए, वीर सावरकर को छोड़ के जो स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गया, वो भी माफी मांग के बाहर आ गया। अटल बिहारी वाजपेयी को पकड़ा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में, तो बोले नहीं नहीं मैं तो वहां तमाशा देख रहा था, वो दूसरा वाला वाजपेयी था, और अपनी जगह किसी दूसरे वाजपेयी को फंसा दिया। और आप देखिए डिफेंस डील में, मतलब इन्हीं का जो अध्यक्ष था ना, जो डिफेंस डील में पैसा लेते हुए पकड़ा गया था, ये राष्ट्रवादी है, डिफेंस डील में ये सौदा करते हैं, घूस कमाते हैं, बंगारू लक्ष्मण आपको याद है, वो दराज में पैसा रखता है, वो स्टिंग ऑपरेशन में। तो मैं तो देख रहा हूं कि ये राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं और देश को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, और हम लोग जो राष्ट्र का नाम नहीं लेते और ईश्वर का नाम नहीं लेते, कम से कम इस देश की गरीब जनता के साथ तो जुड़े हैं। और राष्ट्र का तो देखिए वो हश्र होना चाहिए जो यूरोप में हुआ है। राष्ट्र को अगर आप प्रशासनिक इकाई के रूप में रखना चाहो, जिले की तरह या राज्य की तरह, तो ठीक है, लेकिन जब आप एक देश से दूसरे देश में जाएं तो वहां पे पासपोर्ट वीजा का सिस्टम नहीं होना चाहिए और वहां पे सेना नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि कभी कभी जब मैं बहुत विचलित होता हूं तो मैं पदयात्राओं पे निकलता हूं। मेरी पहली पदयात्रा थी पोखरण में, परमाणु परीक्षण हुआ 1998 में, तो 99 में पोखरण से लेकर सारनाथ की 88 दिनों की 1,500 किलोमीटर की पदयात्रा हम लोगों ने की परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए। उस समय हमसे यह सवाल पूछा गया कि आप भारत में तो परमाणु शस्त्र का विरोध कर सकते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान में कर सकते हैं? तो मैंने कहा यार इसके लिए तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो उसके बाद से मैं 10 बार पाकिस्तान होके आया हूं, और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जब जाता हूं तो कई बार याद दिलाना पड़ता है कि यार ये दूसरा देश है, ये अपना देश नहीं है, यहाँ पे एकदम खुल के बातें नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया का अकेला देश है जहाँ पे मैं जो भाषा बोल रहा हूँ वो भाषा समझी जाती है, वो मैं बोल सकता हूँ, जो मैं खाना खाता हूँ वही खाना वहाँ पे मिल जाता है, और मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को, अभी चैतन्य यहाँ है, बीए कर रहे हैं, जब छोटे थे और उनकी बहन आनंदी को मैं लेके गया मुल्तान में, बीमार पड़ गई आनंदी, और मैं जब उसको लेके हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल वाले पूछे अरे इसकी वालदा कहाँ है, मैंने कहा वालदा लखनऊ में बैठी है, अभी तो मैं हूँ, इलाज करो इसका। तो उस औरतों के अस्पताल में, मुसलमानों का देश है ना, मैं दाढ़ी वाला आदमी एक लड़की को लेके गया, मुझे घुसने दिया गया, मेरी बेटी का इलाज हुआ, पूरा अस्पताल वहां आ गया, अरे भारत से लड़की आई है, हाँ इसका तो इलाज बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। और जब मैंने इलाज के बाद मैंने अस्पताल के काउंटर पे पूछा कि भाई बता दो कितने पैसे हुए, बोले अरे आपसे कैसे पैसे लेंगे, आप तो मेहमान देश हैं, आप तो हमारे मेहमान हैं। तो 2005 में मैंने दिल्ली से मुल्तान तक के पैदल सफर का तय किया, हजरत निजामुद्दीन की दरगाह से बहाउद्दीन जाकरिया की मजार तक, और हमारी सरकार ने हमको चलने दिया यहां से वाघा बॉर्डर तक। 9 पाकिस्तानी हमारे साथ आए, देर से आए, ब्यास नदी के किनारे पे वो हमारे साथ शामिल हुए, आखिरी के 2 दिन वो हमारे साथ चले अमृतसर में। फिर पाकिस्तान की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री से मैं मिल के आया, वो क्या नाम था उसका, वो अजीज या क्या, तो मैंने कहा 110 लोग आएंगे भारत से, आपके देश में चलेंगे,
आपको मंजूर है? बोला हाँ हाँ, मैं आपको परमिशन दे दूंगा, आप जाइए, आ जाइए। और जब हम वाघा पहुंचे तब उन्होंने हमें घुसने से मना कर दिया। हमारी एक दोस्त है सईदा दीप लाहौर में, वो गई इस्लामाबाद होम मिनिस्ट्री, इंटरनल मिनिस्ट्री कहते हैं वहां, पूछा कि क्यों नहीं दे रहे वीजा, तो बोले ये जो आयोजक है भारत वाले, ये अमेरिका विरोधी है बहुत ज्यादा। हाँ, उनको इससे कोई तकलीफ नहीं होती कि अगर हम पाकिस्तान विरोधी होते, ये अमेरिका विरोधी है बहुत ज्यादा, कोका कोला के खिलाफ आंदोलन करता है यार। तो मैंने कहा भाई क्या करूं, तो वो वहां धरने पे बैठ गए और उसने हम 12 लोगों के लिए वीजा लिया और हम लोग गए वहां पे। और आपको बताएं कि जितना स्वागत हमारा पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स आए। साहिवाल जिले में SSP ड्रेस में पहुंच गया और उसने बोला कि आपका जो एजेंडा है इसका मैं सपोर्ट करता हूं। हमारा एजेंडा क्या था? नंबर एक, अपने सारे झगड़े बातचीत से सुलझाओ, कश्मीर का झगड़ा कश्मीर के लोगों की राय से सुलझाओ। नंबर दो, अपने सारे परमाणु हथियार खत्म करो, डिफेंस का बजट कम करो और पैसे को दोनों देशों के डेवलपमेंट में लगाओ। और तीसरा, हमारी मांग थी कि बॉर्डर खोल दो, पासपोर्ट वीजा की व्यवस्था खत्म करो। और आपको बताएं कि इस बात का, मैं जलंधर में जा रहा था सड़क पे, जब चलते हुए पदयात्रा में, तो एक आदमी साइकिल से पीछे से आया, बोला आप इस यात्रा के आयोजक हैं? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। तो बोला ठीक, तो उसने कहा कि ये जो आपकी मांग पत्र है, आपकी मांगे तो ठीक है लेकिन इसका ऑर्डर बदल दीजिए आप, यानी कि आप पासपोर्ट वीजा खत्म करने को नंबर एक डिमांड बनाइए, तो आपकी बाकी दो समस्याएं भी आसानी से सुलझ जाएंगी। और मैं सोचने लगा कि यार देखो, ये सामान्य आदमी है, गुरुद्वारे में कीर्तन गाता है और इसकी समझ देखो क्या है, और मैं एक PhD, मेरे को ये भी नहीं समझ में आया कि ऑर्डर सही नहीं है ये। हाँ, वहां पे थोड़ा साइंस वाला भी प्रॉब्लम था, लेकिन ये उसकी सामान्य समझ ये थी कि अगर आप पासपोर्ट वीजा का सिस्टम खत्म कर दोगे तो भारत पाकिस्तान में दोस्ती भी हो जाएगी, आपकी सारी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी, सेना भी हट जाएगी, डिफेंस बजट भी कम हो जाएगा। तो मेरा कहना है कि यूरोप मॉडल है, बाकी भी चीजों में हम वैसे नकल तो करते ही हैं पश्चिम की, तो भाई अच्छी चीज में भी नकल कर लो ना, ये सेना हटा दो और पासपोर्ट वीजा हटा दो। धन्यवाद, मुझे पता है कि समय बहुत ज्यादा हो गया इसमें।